एयरटेल और जियो ने अपना जो 5G सर्विस है उसको लॉन्च कर दिया है। अभी तो वैसे दिल्ली मुंबई ये सब जगह में ही लॉन्च हुआ है। अब आने वाला समय में आप लोगों को BSNL वगैरह कभी आप लोगों को 5G देखने को मिल रहा है ऐसे सुनने में आया है, बट अभी तो मेरे को उसका पता नहीं। अब देखो जियो और एयरटेल तो अपना जो 5G है उसको सर्विस लॉन्च कर दिए है और एकदम फटाफट जो मतलब वो 5G का जो टावर है वो सब जगह अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बहुत सारे जगह अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए है। तो इस वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे पता करें आपके एरिया में जो 5G है वो अभी तक आया है कि नहीं, कैसे पता करें आपके एरिया में जो 5G सर्विस है वो अभी अवेलेबल है कि नहीं। अब देखो जो 5G के टावर जो रहेंगे ना वो मतलब 4G में क्या होता था, 4G का टावर दूर दूर भी होता था तो ज़्यादा जो है ना वो कवर कर लेता था, बट 5G में ऐसा नहीं होगा। मतलब एकदम होता है ना कम कम डिस्टेंस में ही आप लोगों को 5G का टावर है वो देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कैसे आप पता लगाए कि आपके एरिया में जो 5G अभी तक सर्विस आया है कि नहीं, आपका जो सर्विस है वो 5G का अभी तक अवेलेबल है कि नहीं। जियो है एयरटेल है सब में वर्क करेगा या फिर VI का सिम है, VI वाले निकाल लेंगे तो बात अलग है, अभी तक तो नहीं निकाले हैं, BSNL भी निकाल लेंगे तो उसमें भी काम करेगा। तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू विजिट किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर एक रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और हाँ, इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हम इंस्टाग्राम जाकर के मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो बोलो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई लोग, हम लोग बेसिकली दो मेथड जानेंगे जिसको कि यूज़ करके आप लोग पता लगा सकते हो कि आपके एरिया में 5G सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। दोनों मेथड काम का है तो इसीलिए वीडियो में बने रहना, अगर एक मेथड पसंद ना आए तो आप लोग दूसरा वाला मेथड को भी कर सकते हो, ओके कि नहीं। अब अगर 5G का सर्विस अगर आप लोगों का एरिया में अगर अवेलेबल होगा ना तभी आप लोगों का जो 5G है वो काम करेगा, अवेलेबल नहीं है 5G का टावर वगैरह नहीं लगा है तो आप लोगों का जो भी ब्रांड का है या जियो या फिर एयरटेल किसी का भी काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके एरिया में आया है कि नहीं, जो है उसका टावर लगा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर में चल जाना और यहाँ पर ही आप लोग लिखना ओपन सिग्नल, यहाँ पर आप लोग ओपन सिग्नल करके लिखना। तो हम लोग यहाँ पर ओपन सिग्नल करके लिख दिए, जैसे ही ओपन सिग्नल करके लिख दोगे यहाँ पर आप लोगों का ये वाला जो सॉफ्टवेयर है मतलब ये वाला जो ऐप है ना आप लोगों को ये वाला देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग ओपन कर लेना। इसमें आप लोग पता लगा सकते हो कि आपके एरिया में जो 5G सर्विस है वो आया है कि नहीं। यहाँ पर आप लोगों को एक लोकेशन का यहाँ पर दिखता होगा टैब, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एकदम कोना में दिखता होगा, तो आप लोग इसमें बस क्लिक कर देना, आप लोगों को इस टैब का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, आप लोगों का जो मोबाइल का है वो लोकेशन ऑन रहना चाहिए। यहाँ से हम लोग अपना मोबाइल का जो लोकेशन उसको यहाँ पर ऑन कर दिए, GPS जो है। लोकेशन ऑन कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों को तो सबसे पहले थोड़ा सा पहले आप लोग जूम कर लेना अपना, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर चल जाता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ थोड़ा जैसे इंडिया के पास चल जाओगे यहाँ पर आप लोगों को जो ऑपरेटर सब है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एयरटेल VI जियो ये तीनों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ही तो वैसे BSNL शो नहीं हो रहा है, हम लोग थोड़ा वैसे थोड़ा सामने जाएंगे तो हो सके हम लोगों को BSNL भी देखिए। अब यहाँ पर BSNL भी शो होने लगा है तो देख सकते हो हम लोग ये चारों जो ऑपरेटर है ना वो हम लोग को देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को उस ऑपरेटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका आप लोगों को चेक करना है आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं। फॉर सपोज हम लोग यहाँ पर जियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके जियो सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता होगा यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हो ये वाला, इससे क्या होगा आप लोगों का जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना ये वहाँ पर ही चल जाएगा। तो यहाँ पर ही देख सकते हो अभी ये हमारा मेरा एग्जैक्ट लोकेशन में आ गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। जियो हम लोग वापस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जियो सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ही देख सकते हो यहाँ पर टाइप सेलेक्ट है 2G 3G 4G और 5G। अब यहाँ पर ही आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर देख लो यहाँ पर मेरा जैसे कि मेरा यहाँ पर लोकेलिटी ये वाला मेरा दिखा रहा है। अब यहाँ पर ही मेरे को देखना है कि मेरे एरिया में जो 4G 5G सर्विस आया कि नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2G हटा देता हूँ टिक से और 5G हटा देता हूँ। तो ये सब हटाने के बाद देख सकते हो मेरा एरिया में पूरा 5G जो है मतलब जो 4G है ना वो एकदम भरा पड़ा हुआ है, मतलब जो 4G है वो एकदम भरा हुआ है। यहाँ देख सकते हो कुछ कुछ जगह में आप लोगों को जो वाइट वाइट है वो ज़रूर दिखता होगा, बट वाइट वाइट जो आप लोगों को दिख रहा है वो सब एरिया में भी जो ग्रीन ग्रीन वाला जगह में है ना वहाँ पर आराम से एकदम टावर पकड़ता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो।
जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो, जो भी ग्रीन ग्रीन सर जगह है ना, वहाँ पर ही जो जियो का है आप लोगों का बहुत अच्छा से काम करेगा। और अगर हम लोग थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पर ही मेरे को जो डाउनलोड वगैरह का भी स्पीड है वो भी दिखा रहा है, और अपलोड स्पीड भी वो भी दिखा रहा है। अब अगर वही हम लोग ये 4G को हटा करके, ये हम लोग 4G को 5G में कर दिए, अब ये 4G से हम लोग जैसे ही हटा देंगे ना, अब आप लोग यहाँ पर ही देख लो, मेरा एरिया में अभी तक ना जो 4G जो 5G का सर्विस है वो बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। तो इस कंडीशन में मैं जो 5G सर्विस अभी तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया में जो 5G सर्विस है वो अवेलेबल अभी तक नहीं है। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर ही 5G को मतलब 4G में टिक कर देंगे और 5G को हटा देंगे, तो अब आप देख सकते हो जो भी ग्रीन ग्रीन एरिया है वहाँ पर ही जो 4G है वो अवेलेबल है। कुछ कुछ जगह आप लोगों को वाइट जरूर दिखता होगा, बट वहाँ पर भी जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, वहाँ से आप लोगों को हल्का फुल्का टावर वगैरह मिल जाता है, और वहाँ से आप लोगों का जो भी उस एरिया है वहाँ पर भी काम कर जाएगा। बट वहाँ पर ही थोड़ा आप लोगों को स्पीड स्लो मिलेगा जो वाइट वाइट एरिया है, लेकिन काम कर जाएगा। तो पहले अब जो दूसरा मेथड है ना, उसके लिए आप लोगों को तो अपना सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर ही अब आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग टाइप करो ओकला 5G मैप, यहाँ पर आप लोग ओकला 5G मैप करके आप लोग यहाँ पर ही टाइप कर दो। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ही ओकला 5G मैप करके यहाँ पर ही आप लोग टाइप कर दोगे, यहाँ फर्स्ट में ही आप लोगों को जो स्पीड टेस्ट ओकला का वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगा। और आप लोग ये वाला मेथड को भी यूज़ करके जो पता लगा सकते हो कि आपके एरिया में जो 5G सर्विस है वो अभी आया है कि नहीं आया है। बट हाँ, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग ये नहीं पता लगा सकते हो कि आप लोगों का कौन सा मतलब, बट हाँ यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग ये नहीं पता लगा सकते हो कि कौन सा मतलब ब्रांड का है, यानी कि वो एयरटेल का है कि जियो का है, ये नहीं पता लगा सकते हो। वो जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट मेथड बताया था उसमें आप लोग ये देख सकते हो कि कौन कौन मतलब वो प्रोवाइडर है वहाँ वहाँ शिफ्ट कर दिए है। बट इसमें बट आप लोग ये देख सकते हो कि जो 5G का जो सर्विस है वो आया है कि नहीं आया, वो कोई भी मतलब हो सकता है, कोई भी जो होता है ना प्रोवाइडर का हो सकता है। यहाँ पर आप लोग जो ये नंबर देख रहे हो, ये सारा जो नंबर्स वगैरह है ना, वहाँ पर ही आप लोगों को जो 5G सर्विस है वो देखने को मिल गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कमर्शियल आप लोगों का ज़्यादातर ये जो देख लो, ये सब जगह में 11 जहाँ पर ये सब लिखा है, नहीं जो पिंक है वहाँ पर ही ज़्यादा अच्छा से अवेलेबल है, और वहाँ पर ही यूज़ भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अभी देख लो मेरा जगह मतलब कि झारखंड में तो अभी तक वैसे पहुँचा नहीं है, पटना में तक आ गया, झारखंड में नहीं आया है। यहाँ पर एक और हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला प्री रिलीज़, यहाँ पर आप लोग देख लो ये वाला प्री रिलीज़ करके आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग ये वाला में क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर तो प्लेस कर दिया गया है, बट अभी तक जो 5G है ना वो अभी तक मतलब यूज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ समय बाद हम लोग को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग टिक हटा देते हैं, जैसे टिक हटा देंगे तो देख सकते हो ये सब जगह हट गया कुछ कुछ जगह में। ओके, तो ये भी एक तो दोस्तों तरीका है जिसको कि यूज़ करके आप लोग जो 5G सर्विस है वो पता लगा सकते हो अवेलेबल है कि नहीं। चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और हाँ, इस वीडियो को रिगार्डिंग या किसी और वीडियो को रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो बोलो चलिए, बाय बाय, फिर आऊँगा ऐसी एक नई वीडियो को लेकर।